हम तो गांव से भी बाहर आ गए, इतनी धूप में इस वीरान सड़क पे साई जा कहां रहे हैं? चलो देखते हैं। पानी, 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 पानी। क्या हुआ है तुम्हें? दो दिन से भूखा प्यासा हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी है तुम्हें? 2 महीने पहले खेत में कुआं खुदवाया था, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं निकला। एक बाबा ने बोला, निर्जल उपवास रखो और फिर हवन करना तो पानी आ जाएगा। कल रात से कुछ नहीं खाया, आज दिन में खेत में जा रहा था तो धूप में भूख प्यास से चक्कर आ गया। अब तो एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है। बहुत प्यास लगी है, लेकिन यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं है और मुझे कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि बिना पानी के मेरे कुएं का मृतवत होना मेरी ही निर्जल मृत्यु का संकेत है। पानी, पानी। गांव का ब्याह थोड़ा दूर तो है, लेकिन भाग कर जाऊंगी तो कुछ समय में लेके आ सकती हूँ। मैं तुमसे जल्दी भाग पाऊंगा। मुझे बताओ प्याऊ कहाँ है? तुम चिंता मत करो, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा और कुछ नहीं होगा तुम्हें। कैसे? साई ने कह दिया है ना, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ रुकिए और देखिए कैसे। वो लड़की जो मुझसे जुबान लड़ा रही थी, वो मोहन को किसी फकीर के पास लेके गई है। और मोहन, जिसे मुझ पे विश्वास नहीं है, ऐसा करने के लिए राजी हो गया। गुरुजी, हम लोगों ने ये भी पता किया है कि ये फकीर वही साई है जिसके बारे में वो लड़की बार बार बोल रही थी। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे खुद जाके देखना होगा कि क्या चल रहा है। चलो। नजर साई, रहम नजर।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे पता नहीं आप कौन है, पर मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से आज मैं बच पाया। इस मदद के लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। ये पात्र बहुत पुराना हो चुका है, मैं आपको चांदी का अच्छा सा पात्र देना चाहता हूँ। उसमें भी तो मैं उतनी ही भिक्षा ले पाऊंगा जितनी इसमें लेता हूँ, फिर चांदी हो या सोना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर बच्चे अपने शरीर को तकलीफ देते हैं तो मां को तकलीफ होती है या नहीं? क्यों नहीं होगी, ईश्वर भी तो अपनी मां ही है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रहकर अपनी सेहत बिगाड़कर उसकी पूजा करे। ये शरीर भी तो ईश्वर ने ही दिया है, तो उसकी इस अमानत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है या नहीं? इसीलिए समय पर अच्छा खाना खाया करो, वर्जिश करो, तन और मन को स्वच्छ रखो। अगर अपना ख्याल रखोगे तभी अपनों का भी ख्याल रख पाओगे। जरा सोचो, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार वालों की क्या हालत होती? मैं समझ गया, आपसे मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरे कुएं का क्या होगा? आपने पेड़ से पानी निकाल दिया तो क्या कुएं में पानी लाने के लिए चमत्कार नहीं कर सकते आप? पेड़ से पानी निकालना कोई चमत्कार नहीं है, कुदरत का नियम है। पेड़ जमीन से पानी लेता है और उसके तने से पानी शाखा शाखाओं में पहुंचता है। अगर बीच में एक छेद किया जाए तो पानी आसानी से निकाला जा सकता है। बस उसके लिए ये जानकारी होनी जरूरी है कि कौन से वृक्ष में जल की मात्रा अधिक है और जल को खींचना कैसे है। और रही बात कुएं की, तो हो सकता है कि तुमने ऐसी जगह कुआं खोदा है जहां पानी का स्तर और थोड़ा नीचे हो, उससे दो हाथ और गहरा खुदवा लो, पानी आ जाएगा। धन्यवाद। राम जी भला करें। ये तो इन्होंने उसकी मदद की और बदले में कुछ मांगा भी नहीं, ईश्वर के नाम से डराया भी नहीं उसे, उसका अंधविश्वास भी दूर किया उसकी समस्या का तार्किक उपाय बताकर। इसलिए हम सब साई को इतना मानते हैं। अब तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आओ। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, ये गंगाधर जी के बेटे मोहन जी आपसे मिलना चाहते हैं। मोहन, श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब मन में कोई भी संदेह बाकी ना हो, इसलिए पहले मन से सारी शंकाएं दूर कर लो। आपको आभास हो गया था कि मैं आप पर संदेह कर रहा था? संदेह
शंकाएं प्रश्न ना हो वो इंसान प्रगति नहीं कर सकता है, और भरोसा तभी पूरा होता है जब वो पूर्ण हो। मुझे खुशी है कि तुमने किसी और की श्रद्धा पर नहीं बल्कि अपने विवेक पर विश्वास किया। क्या तुम मेरे साथ द्वारका माई चल सकते हो? तुम्हें कुछ देना है, चलो मेरे साथ। तिरस्कार करके इसके पास चले आए? मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, अंधश्रद्धा इत्यादि की, यहां इसके तलवे चाट रहे हो। यदि झुकना ही था तो मेरे पैरों में झुके होते, ऐसा फकीर ढूंढने की क्या जरूरत थी? मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां गए तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे तर्क। पता नहीं तुम्हें मुझसे परहेज क्यों है, जबकि ये भी तो मेरे जैसा है। शिव शंभू, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो एक भिखारी है, इसकी तुलना मुझसे हो ही नहीं सकती। आपकी एक ही बात से सहमत हूं मैं कि आपकी तुलना हमारे साई से हो ही नहीं सकती, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है आप में और मेरे साई में। आज मोहन जी के आए बाबा की गृह प्रवेश पूजा थी, इतना खुशी का मौका था, और वो बेचारे परेशान डरे हुए कि कोई चूक ना हो जाए। और अगर हो गई तो आप बुरा मान जाएंगे और पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा उन पे। एक तरफ आप है जो लोगों को बुरी नजर, बुरा साया, ये सारी बेकार की बातों से डराते रहते हैं, और दूसरी तरफ साईं जो सिर्फ लोगों की सेवा के लिए जीते हैं, उनके डर को दूर करके उन्नति का सही रास्ता दिखाते हैं। ए लड़की, चुप! तेरी जबान बहुत कैची कितना चलती है, ऐसा श्राप दूंगा कि दिगंबर, बस बहुत हुआ। घर पे तुमने पहले ही पूर्णा का अपमान किया है, और अब तुम्हारे चुप होने की बारी है। और तुम्हारे जैसे लालची, ढोंगी और स्वार्थी गुरु और साई जैसे सच्चे बैरागी में बहुत फर्क है, इसलिए इनसे तुलना करने की कभी भूल मत करना। तूने मेरा अपमान किया इस भिखारी के सामने, इस दो कौड़ी की लड़की के लिए? शायद मेरी गलती है कि मैंने पहले तेरा अपमान नहीं किया। अगर कर देता तो तुझ जैसा पाखंडी अपने फायदे के लिए मेरी आई बाबा को मूर्ख नहीं बना पाता। मोहन, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। पिछले 7 सालों की तकलीफ है साईं। पिछले 7 सालों में मैंने देखा है अपने आई बाबा को डरे हुए, सहमे हुए और मेहनत की कमाई लुटाते हुए, इसके कहने पे, इसके फायदे के लिए। ईश्वर से डर, ईश्वर से बहुत पछताएगा तू।
पाप लगेगा तुझे पाप। दिगंबर, पाप का डर उन्हें होता है जिन्हें पुण्य का लोभ हो, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं बिना फल की चिंता किए, उन्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वो खुद तो ईश्वर से डरना भूल जाते हैं, लेकिन औरों से ईश्वर को डरने को कहते हैं। तू कौन होता है मेरे कर्मों पर टिप्पणी करने वाला? मेरे शिष्य मुझसे नहीं डरते, मेरे तेज से डरते हैं, मेरे प्रताप से डरते हैं, मेरी विद्वता से डरते हैं, मेरी सिद्धियों से डरते हैं। ये सब तुझ में नहीं है। लोगों को भयभीत करने वाले ऐसा अक्सर अपनी ही किसी कमी को छुपाने के लिए करते हैं। तुम क्या छुपा रहे हो दिगंबर? तू मेरी पूर्णता पे, मेरी संपन्नता पे प्रश्न उठा रहा है। अपने को देख, पहनने के लायक वस्त्र नहीं है तेरे पास। यही दिखाता है कि तेरे शिष्य तुझे भिखारी मानते हैं, इसीलिए तो खंडहर में पड़ा हुआ है। तुझे देख, मेरे शिष्य मुझे राजाओं जैसा मानते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक महल जैसी इमारत बनवा के दी है। शरीर कहां रहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि मन कहां रहता है। मेरा मन तो मेरे राम जी में लगा हुआ है। राम जी हर कण कण में है, फिर क्या खंडहर और क्या महल। और जब राम कण कण में है तो फिर तुम्हें हर जगह बुरे साए क्यों दिखाई देते हैं? इन बातों का यही मतलब है, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है कि बुरे साए को पहचान पाओ। और जब पहचान नहीं पाओगे तो उसे हटाने में किसी की मदद कैसे कर पाओगे? लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरी अनुमति के बगैर एक पंछी की परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़ सकती। तो जाए यहां से, और आज के बाद साई से या पूर्णा से कुछ कहा तो याद रखना, मैं अपने आई बाबा की तरह भोला भाला नहीं हूं। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। जवाब तो तू अपने बाप को देगा, देखता जा। मोहन, इसके पीछे जाना व्यर्थ है, समय कीमती है। तुम मेरे साथ द्वारका माई चलो, अभी इसी वक्त। शांत कैसे हो जाऊं? इन लोगों ने मेरे आई बाबा की सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी, उन्हें डरा के रखा है, और मैं एक बेटा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा उन्हें उस दिगंबर से बचाने के लिए। मुझे तो इसे जमीन पर लेटने मत देना, मैं अभी आया। Saai
मुंह खोलो। पानी पी लो। आपने मुझे क्या दिया? मुझे एकदम से बेहतर लगने लगा है। इस दवा में उदी और जड़ी बूटियों का मिश्रण है। तुम्हें आधे सर का दर्द रहता है ना, ये दर्द पुराना मालूम होता है। इसमें पसीना बहुत आता होगा और सांस भी फूलती होगी। पर आपको ये सब कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब अर्थशीशी की बीमारी हो। आपको सच में बहुत ज्ञान है। इस दवा का हर रोज सेवन करना, एक भी दिन छूटे नहीं किसी भी हालत में। अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। तुमने ठीक कहा था, साईं सच में अनोखे हैं, है ना? और देखिएगा, साई की मदद से आप अपने आई बाबा को उस दिगंबर के चंगुल से जरूर निकाल पाएंगे। अब मुझे भी यही लगने लगा है। अच्छा सुनो, मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आपको साई की दी हुई दवा रोज खानी होगी। तुम साई की सच्ची शिष्या हो, शर्त भी रखी तो मेरे फायदे के लिए। चले। साई, साई, साई जल्दी चलिए मेरे साथ। क्या हुआ चक्कू? सब ठीक तो है? साई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे बाबा को पी लिया है। ये बीमारी जाने में समय लेती है जग्गू। मैं जानता हूँ साई, और बाबा भी, लेकिन बात कुछ और है। दरअसल वो हर साल दिवाली के महीने कोल्हापुर जाते थे, वहाँ के महालक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करने, लेकिन इस साल तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा पाएंगे, और इस बात का उन्हें बहुत दुख है। ना कुछ खा रहे है ना पी रहे है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रहे और कोल्हापुर जाने की जिद कर रहे हैं। अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं साई, मैं बाबा को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। जग्गू, तुम में जिम्मेदारी का आभास देखकर मुझे खुशी हुई। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा का दुख जल्दी ही दूर हो जाएगा। ॐ साई ॐ साई ॐ साई ॐ साई ॐ साई ॐ साई ॐ। ये लीजिए, पी लीजिए, थोड़ा काढ़ा पिएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। नहीं, मुझे नहीं पीना। जब मैं अपनी कुलदेवी की
वार्षिक पूजा नहीं कर सकता तो ठीक होने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ठीक होकर तो तुम पूजा कर सकते हो ना श्रीनिवास। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये जग्गू बिना बिना बात के इसने आपको परेशान किया। इस मामले में आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते साईं। मुझे श्रीनिवास से अकेले में कुछ बात करनी है। श्रीनिवास, एक पूजा ना कर पाने का इतना दुख। पूजा तो बाद में भी हो सकती है ना साईं। ये कोई मामूली पूजा नहीं है, हमारे परखों के समय से प्रथा रही है। दिवाली के महीने में हमारे घर का मुखिया कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में माता महालक्ष्मी का दर्शन करके आता है। जब बाबा छोटे थे तो दादाजी जाया करते थे, दादा के बाद बाबा जाने लगे और जब बाबा बूढ़े हुए तो मैं जाने लगा। लेकिन इस साल मैं नहीं जा पाऊंगा, जग्गू अभी छोटा है, वो इतनी लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता, श्रद्धा को भी उसके साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि फिर मेरी देखरेख यहाँ कौन करेगा। बस इसी बात से मन उदास है। हमारे पुरखों की 300 साल पुरानी परंपरा मेरे कारण टूट जाएगी साई। तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो श्रीनिवास? मैं समझ सकता हूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यहां जाकर मन को एक अलग शांति मिलती है। कोई भी ऐसी जगह जहां अनेक श्रद्धालु आकर अपनी श्रद्धा से ईश्वर को याद करें, वो भूमि पावन हो ही जाती है। और ऐसी जगह जाना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि इससे मन को एक अलग प्रसन्नता मिलती है। और ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि बीमारी में भी हमें उनकी पूजा करनी ही होगी। श्रीनिवास, महालक्ष्मी माँ सब देख रही है, वो जानती है कि तुम बीमार हो और इस साल तुम नहीं जा पाए, तो वो तुमसे नाराज नहीं हो जाएंगी। जानता हूँ साईं, माँ समझ जाएगी, लेकिन ये मन नहीं समझेगा ना साईं। हमेशा इस बात से उदास रहेगा कि मैंने अपने पुरखों की परंपरा तोड़ दी, और इस बात से मैं जीवन भर दुखी रहूंगा। श्रीनिवास, अगर तुम इतने ही दुखी हो तो मैं सलाह दूंगा कि अपनी बीमारी को सहते हुए तुम कोल्हापुर चले जाओ। मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे मन को शांति तो मिलेगी। पर साई, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कैसे जा पाऊंगा? सच्चे भक्त तो हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं। मैं श्रद्धा और जग्गू से भी कह देता हूं कि तुम्हें जाने दें, तुम्हारी श्रद्धा
तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें वहां पहुंचाने में सहायक होगी। तुम जाने की तैयारी करो, मैं उन्हें बोल देता हूं। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। क्या हुआ साई? माता महालक्ष्मी के दर्शन के लिए श्रीनिवास अभी कोल्हापुर के लिए निकलेगा। क्या? लेकिन वो इस हालत में कोल्हापुर तक कैसे जाएंगे? रामजी पे भरोसा रखो, उसे जाने तो दो। अपना और जग्गू का ख्याल रखना। चलता हूं साईं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम जी भला करें। बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। लगता है मेरी किस्मत में इसी दुख के साथ जीना लिखा है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। आओ। Thank you.
साई, आपने मुझे माता महालक्ष्मी का दर्शन करवा दिया। मैंने नहीं श्रीनिवास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा ने, जिसने माता को मजबूर कर दिया तुम्हें दर्शन देने के लिए। आम तौर पे हम मंदिर जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए, उसे अपने करीब महसूस करने के लिए। लेकिन जब हम बीमार हों तो ये सोच लो कि हमारे पिता समान परमेश्वर खुद आ जाते हैं हमारी देखभाल करने के लिए। ऐसे समय पर किसी मंदिर जाना या कोई पूजा करने जाना ईश्वर के पास जाना नहीं, बल्कि ईश्वर से दूर जाने के समान होता है। क्योंकि उस समय ईश्वर तो हमारे घर में होते हैं, जैसे माता महालक्ष्मी, वो पहले से ही यहीं थी, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। साई, आपने मुझे भक्ति करने का दृष्टिकोण दिया है, मेरा मन एकदम शांत हो गया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं साई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी भला करें। और बाबा ये देखिए आपके लिए अंगूठी। अरे वाह, देखा देखा, ये तो बहुत प्यारी है, है? बढ़िया है, लेकिन महंगी होगी। आपसे ज्यादा कीमती नहीं है बाबा। हाँ अभी नहीं, परसों से खंडोबा नवरात्रि शुरू हो रही है, तभी पहन लेना, तभी तक इसे तिजोरी में रख देते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये ले रख दे। मैं रख देता हूँ बाबा। हाँ रख दे बेटा। बाबा, तिजोरी में तो इतने सारे पैसे थे, कहाँ गए? उसी से तो आज सोने का नींबू मिर्ची और चांदी का आसन ले लिया, और हाँ कुछ सोने की मोहरे भी लगी थी, है ना? क्या? 2000 रुपए थे वो, और आप कह रही हैं सारे के सारे पैसे इन फालतू की चीजों में खर्च कर दिए? अरे बेटा, गुरुजी ने कहा खर्च करने हैं तो खर्च कर दिए, ताकि हमारे इस घर को बुरी नजर ना लगे। कब सुनना बंद करेंगे आप उस दिगंबर की बात? आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कि वो आपको लूट रहा है? 1000 रुपए एक पूजा में, वो भी गृह प्रवेश की पूजा में। मैंने अपने बचत वाले पैसे खर्च किए हैं। बाबा बात मेरे आपके पैसे की नहीं है, मैं जो कमा रहा हूँ वो आप दोनों के लिए ही है, लेकिन मुझे खुशी होती है अगर आप वो पैसे अपने ऊपर खर्च कर देते। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि एक ढोंगी आपको डरा के झूठ बोल के इतने सारे पैसे ले गया। बस बहुत हो गया, आइंदा इस घर में मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ बाबा, वो आदमी एक नंबर का पाखंडी है, और अगर मेरा बस चले तो मैं उसे घर में घुसने ही ना दूं। Thank you.
आपने मुझे बता दिया बाबा कि आपके जीवन में मुझसे ज्यादा अहमियत उस ढोंगी की है। क्या हो गया तुझे? अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया है तू? एक बार गुरुजी की बात न मानने का परिणाम क्या हुआ था नहीं जानता है तू? जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। ये भी नहीं मानते थे फिर क्या हुआ? मेरा भाऊ, तेरे दामोदर काका। बाबा जो भी हुआ वो एक इत्तेफाक था। अच्छा तू बोले इत्तेफाक था तो सच है, मैं बोल रहा हूं गुरुजी की बात न मानने का परिणाम था तो झूठ है। गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था मोहन। उस दिगंबर जैसे लोग हमेशा कुछ बुरा होने की भविष्यवाणियां ही करते हैं ताकि एक भी तुक्का सही पड़ जाए तो और 10 लोग अगले 20 साल तक उससे डरेंगे, उसके कहे पर चलेंगे। तो ये बात इसीलिए बोल रहा है क्योंकि तुझे पूरी बात पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा सच तुझे आज तक बताया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि तू अपने दामोदर काका के कितने करीब था। अगर तुझे पूरा सच पता चल गया तो तुझे और दुख होगा, लेकिन आज मेरे गुरुजी का अपमान हो रहा है और उस अपमान को रोकने के लिए मुझे पूरा सच बताना ही पड़ेगा। मुझे आज भी याद है तो पहली बार दिगंबर गुरुजी इस गांव में आए थे, गांव के मंदिर में रहते थे, लेकिन तेरे दामोदर काका को भी उन पे भरोसा नहीं था। आए दिन बात बात पर उनसे अनबन होती रहती थी उनकी, वो तो गांव वालों को भी मना करते थे उनकी बात मानने के लिए। वो मुझे भी याद है बाबा, लेकिन इसके आगे की बात तुझे नहीं पता होगी क्योंकि तूने देखा ही नहीं वो सब। उस दिन तू अपनी परीक्षा देने बंबई आया हुआ था, तेरे काका पंडरपुर की यात्रा के लिए घर से निकले। चलता हूं मैं, घर में सबका ख्याल। हाँ आओ। ए, हर सामने से नहीं हटूंगा। तुम यहाँ के बैठे हो, किसी की मदद नहीं कर सकते, बाधा तो बनो मत, हटो यहाँ से। देखिए दामोदर जी, मैं आपकी मदद के लिए ही आया हूँ, आप आज यात्रा पर मत जाइए, आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। फिर वही बात है, मैं तुम्हारे फैलाए हुए अंधविश्वास में अंधा नहीं होने वाला, हटो यहाँ से। देखिए आपको जो कुछ कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन आज यात्रा पर मत जाइए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। गणपत हटाओ इसे यहाँ से। बात सुनिए मेरी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी एक बात सुनिए दामोदर जी, मैं नहीं हटूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा इन्हें, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे देखिए एक बार और सोच लीजिए, आपके प्राण आपके किसी भी जरूरी काम से ज्यादा जरूरी है। दामोदर जी आपके जान को खतरा है। चलो गणपत। तो दामोदर जी मेरी बात तो सुनिए, दामोदर जी आपके ग्रह नक्षत्र ठीक, दामोदर जी मेरी बात, दामोदर जी सुन तो लीजिए, आपकी जान को खतरा है दामोदर जी। रुको इन्हें गंगाधर, शायद तुम्हारी बात सुन ले। नहीं दिगंबर जी, कोई फायदा नहीं, एक बार दामोदर भाव जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ईश्वर ही संभाल सकता है। उस दिन जो तेरे काका घर से गए, लौट के कभी नहीं आए, उस दिन उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया था, और उस हादसे में उनकी मौत हो गई। काश उन्होंने गुरुजी की बात मान ली होती तो आज तेरे काका जिंदा होते। उस दिन से गुरुजी की कही हुई हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है, पैसा खर्च होता है
लेकिन कम से कम हम सुरक्षित तो होंगे ना बाबा। ये इत्तेफाक ही हो सकता है। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, अगर तेरे काका ने उस दिन गुरुजी की बात मान ली होती तो ये इत्तेफाक उन्हें हमसे अवश्य अगले दूर नहीं ले जा पाता। दिगंबर गुरुजी सिद्ध पुरुष है, बहुत गुणी है वो, और आज तक उनकी बात सुन के हमारा भला ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। नहीं, मुझे एक प्रश्न पूछना है सबसे, महाभारत क्यों हुई थी? मुझे पता है साई, क्योंकि कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया था इसलिए। क्योंकि कौरवों ने पांडवों से उनका हक छीन लिया था इसीलिए। तो फिर क्या कारण था साई? कारण थी आस्था। पांडवों ने अपनी आस्था श्री कृष्ण पे रखी थी, जिन्होंने उनको हमेशा सही सलाह दी, और कौरवों ने अपनी आस्था अपने मामा शकुनी पर रखी। उसने बचपन से दुर्योधन का मन पांडवों के विरुद्ध विष से भर दिया। दुर्योधन अपने पांडव भाइयों के प्रति घृणा से भर गया। उसी का परिणाम था वो चौसर का खेल, उसी का परिणाम था द्रौपदी का अपमान, और उसी का परिणाम महाभारत। अगर कौरव शकुनी पर अंधश्रद्धा ना रखते तो ये युद्ध कभी ना होता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे हमें किसी गलत इंसान के हाथ नहीं सौंपना चाहिए। साई, तात्या और केशव कह रहे थे कि आज की सभा में आप कोई खास बात बताने वाले हैं। क्या वो खास बात इस कहानी से जुड़ी है? नहीं भीवा, इस कहानी से तो नहीं, लेकिन ये बात तुम सबके लिए बहुत जरूरी है। कौन सी बात साई? बताता हूं। पहले तुम सब अपनी आंखें बंद करो। करो करो। ठीक है साईं। अपनी आंखें खोलो।
साई, ये तो तरबूज है। साई, अब तरबूज मुझे दे देना, मैं बच्चों के साथ काट कर खा लूंगा। अच्छा ठीक है, जरूर दे दूंगा। ये रहा तुम्हारा मुखौटा। और ये तरबूज। ये देखो, ये तो मटका है साई। परंतु इसका क्या मतलब है साई? काका की मृत्यु के बाद ही एकदम से बाबा में अंधभक्ति जागी थी उस दिगंबर के लिए। और बाबा की देखा देखी हमारे कई पड़ोसी भी उसके भक्त बने। लेकिन अगर दामोदर काका जिंदा होते तो शायद भाई बाबा कभी दिगंबर को गुरु मानते ही नहीं। पता नहीं क्यों अब तो मुझे और लगने लगा है दामोदर काका की मौत के पीछे कुछ तो राज जुड़ा है। राज तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो उनको कभी पता नहीं चलेगा। कैसा राज गुरुजी? मुझे पता था दामोदर मेरी बात नहीं मानेगा और मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसकी मृत्यु का इंतजाम पहले ही कर दिया था। बोलता था दामोदर, मैंने उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी और उस दिन के बाद गंगाधर मेरे इशारों पर नाचने लगा और आज तक नाच रहा है। मेरे सबसे धनी भक्तों में से एक है वो, और गंगाधर के मन में मेरे प्रति कोई अश्रद्धा पैदा ही नहीं कर सकता, भले ही वो उसका अपना इकलौता पुत्र ही क्यों ना हो। जो तुम लोगों ने पहले देखा वो आभास था,
और ये है सत्य। मैं समझी नहीं साईं। हम किसी चीज को देखते हैं और उसको लेकर कोई धारणा बना लेते हैं। जैसे तीन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन यही बात हम तब क्यों नहीं कहते जब बात हमारे त्रिदेवों की होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी तो तीन है। और वैसी ही तीन देवियां भी तो हैं। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती इनसे ज्यादा शुभ और कौन हो सकता है। इसीलिए तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वहम है आभास है। और त्रिदेव और त्रिदेवियां सत्य। और एक बात हमेशा याद रखना सच के साथ ईश्वर होता है। तुम सबको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हें आभास पर विश्वास करने के लिए कहेंगे। लेकिन हमें अपनी नजर को इस तरह तैयार करना है कि आभास और सत्य के बीच का अंतर समझ सके और सही मार्ग चुन सके। यही था आज का पाठ। आवाज सी आई लगता है कोई है। दामोदर के लिए उस जानलेवा दुर्घटना का प्रबंध करके मैंने सबसे बुद्धिमानी का काम किया वरना ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ कैसे लगती मेरे।
शायद कोई जानवर होगा। जानवर ही तो हूं मैं जो लोगों का शिकार करता हूं, पर मेरी ये बातें उनमें डर फैलाती है और यही डर मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक लोगों के मन के अंदर ये डर और अंधश्रद्धा रहेगी, मैं राज करूंगा। लेकिन साईं, हमें कैसे पता चलेगा कि सही मार्ग कौन सा है? सच्चे मार्ग पर चलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जहां डर है वहां ईश्वर नहीं है। और जहां ईश्वर होगा वहां सिर्फ सत्य होगा, सच्ची श्रद्धा होगी, भय नहीं। काका, नमस्ते। काका, आपके भाई कैसे? क्या हुआ? साई ने उदी दी थी ना? लेकिन राजाराम की पत्नी ने साई की उदी देने से मना कर दिया और उदी फेंक दी। अब राजाराम की तबीयत और भी खराब हो गई। मैं उनसे बात करूं? मैं समझाऊंगी। साई की उदी कोई मामूली औषधि नहीं है। चलिए। ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। गंगा जल है, समझ लो जहां से गंगा शुरू होती है वहां का शुद्ध जल है। मंत्र उच्चारण के साथ साथ इस गंगा जल के छिड़काव से इसकी शुद्धि हो जाएगी। माफ कर दीजिए, आप तो शिव शंकर हैं, भोले हैं, इसमें दया कीजिए। ओह, अच्छा, जी जी जी, मैं बताता हूं भोलेनाथ, मैं क्या हुआ? सब ठीक तो है? अगर सब ठीक होता तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती।
इसने जो किया है उसका निदान ऐसा क्या हो गया गुरुजी? इसने स्वयं भगवान शिव को कुपित किया है। उन्हीं के प्रचंड क्रोध के कारण इसके शरीर में ये रोग फूटा है। अब तो कोई दवा भी काम नहीं करेगी, ना तंत्र विद्या काम करेगी। ऐसा मत कहिए गुरुजी, कोई तो उपाय होगा ना। भगवान शिव इससे रुष्ट है, उन्हें मनाना होगा, तभी कुछ हो सकता है इसका। आप बोलिए, क्या करना होगा उन्हें प्रसन्न करने के लिए? सोने का त्रिशूल बना के इसे मंत्रों द्वारा सिद्ध करके इसके पूरे शरीर पर घुमाना होगा, तभी इसका रोग दूर हो पाएगा। नहीं तो रोग बढ़ता जाएगा। रोग का अगर इलाज ना करा जाए तो वो प्राण घातक भी हो सकता है। रोग तो भगवान शिव का श्राप है, इसका बचना संभव है। सोने का त्रिशूल लाओ। सोने का त्रिशूल? इतने पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास। पत्नी का श्रृंगार पति से होता है, अगर यही नहीं रहा ये सोने के कंगन किस काम आएंगे? जी, मैं अभी इनके बदले सोने का त्रिशूल लाती हूँ। रुको, तुम यही मेरे साथ इसके उपचार में मदद करो। सोने का त्रिशूल मेरे शिष्य लाएंगे। गुरुजी, काकी, रुकिए। ये आप क्या कर रही है काकी? ये सब पैसे देखने के तरीके इस ढोंगी के। ये जो पानी छिड़क रहा है, इससे आपके पति को और तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं समझ रही हैं आप? ये ठीक कह रही है काकी। राजाराम को साई की मदद की जरूरत है। मुझे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा पति है, इसीलिए निर्णय तुम्हें करना होगा। इनकी बातों पे विश्वास करना है तो करो, लेकिन समय बहुत कम है। बाद में इसे कुछ हो गया तो मुझसे कुछ मत कहना। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। मुझे उस भिखारी की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध पुरुष है, इन पे विश्वास करके मैं इनको यहाँ लेके आई हूँ। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए। गुरुजी, आप करिए। क्या करूँ, कैसे समझाऊँ? दिगंबर इन्हें और तकलीफ पहुंचा रहा है डराने के लिए। साई, आप ही मदद करिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मुझे पता है साई, आपने मेरी पुकार सुनी है। जल्दी आइए साई,
सिर्फ आप ही इनकी मदद कर सकते हैं। कहा सुना नहीं तुमने? मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। ये जड़ी बूटी मरहम बहुत आजमा लिया। जो शक था मुझे वही मर्ज गुरुजी ने बोला। ये कोई साधारण रोग नहीं, शिव जी का क्रोध है। और जो मर्ज को समझे वही इलाज कर सकता है। लेकिन काकी सुन, पागल लड़की, देख नहीं रही मैं इसका इलाज करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि इसी तरह उल्टी बातों से तुमने मेरी पूजा में और फिक्र डाला और मेरी पूजा सफल नहीं हुई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तू होगी। जीवन मृत्यु तो मालिक के हाथ में है। साई साई पवित्र भिखारी को अंदर प्रवेश मत करने देना, इसके आने से पूजा में विघ्न होगा। और भोलेनाथ और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। कोई नहीं आएगा यहाँ पे, सब बाहर निकल जाओ। तुम्हारे पति के इस रोग का उपचार बहुत सरल है। अगर इसने इस मूर्ख औरत को समझा दिया तो फिर तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए किसी और की मदद। सुन लिया? अब निकल जाओ यहाँ से बाहर और मुझे मेरा काम करने दो। तुम लोगों की मूर्खता के कारण मैं इस औरत को विधवा होने नहीं दे सकता। गार्गी, अपने पति को बचाने के लिए तुम्हें जो भी सही लग रहा है तुम वही कर रही हो, लेकिन ये मान लेना कि ये सब ईश्वर का क्रोध है, अंधविश्वास है। तुम्हारे पति को नीम से परेशानी है और ये तब से बीमार है जब से तुमने नए घर में प्रवेश किया है, जहां एक नीम का पेड़ है उसके पत्ते उड़ते हुए खिड़की से अंदर आते हैं। और अभी तक तुमने इन्हें जो भी दवाई दी है उसमें नीम की कुछ मात्रा रही है, इसलिए इनकी हालत सुधरने के बजाय खराब होती चली गई। इसे हमारे बारे में इतना कैसे पता है? मानिक भाऊ ने नए घर के बारे में बताया भी हो, लेकिन नीम के पेड़ के बारे में तो उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि वो उस घर में आए ही नहीं। जड़ी बूटियों का लेप बनाओ। जी सही।
मैं यहां तक आ गया इसका इलाज करने के लिए और तू कुछ नहीं कर रही है। ए, अपने हाथों अपना सुहाग गुजार देगी तू, विधवा हो जाएगी विधवा। साई ने कहा ना, जीवन मरण मालिक के हाथ में है। रुकिए, आप कंगन लेके कहाँ जा रहे हैं? ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तेरी श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए।